नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके माता पिता हो या फिर दादा दादी हो, किसी को भी वृद्धा पेंशन मिलता है उसका दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा मिला है और कौन सा महीना को पैसा जो है रुक गया है, अगर रुक गया है तो क्यों रुक गया है, सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका मेन वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है SSPMIS.in, ये सर्च कीजिएगा और इंटर दबा दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसका मेन वेबसाइट आ जाएगा। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मिलेगा बेनिफिशियरी, यहाँ पे मिलेगा दोस्तों बेनिफिशियरी वाले पे आपको चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ई लाभार्थी स्टेटस मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये वेबसाइट आपके मोबाइल में भी और आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी खोल सकते हैं, ये दोनों जगह आपको खुल जाएगा। उसके बाद इस पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अभी जो चल रहा है ईयर जो चल रहा है यहाँ पे जो है 24 से 25 चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पिछले ईयर का देखना है तो 23 से 24 पे टिकआउट करेंगे, अगर 22 से 23 ईयर का देखना है तो इस पे टिकआउट करेंगे। लेकिन हाल ही में जो है हम अभी 24 से 25 चल रहा है तो हम ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पूछा जाएगा बेनिफिशरी आई डी जो है आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, इसमें आधार नंबर से भी सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, तो हम जो है इसका आधार नंबर से सर्च करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन, जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं उसका इसमें आधार नंबर आपको फिल कर देना है। जैसे कि दोस्तों हमने आधार नंबर फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मिलेगा सर्च वाले ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा इसका डिटेल देखने को मिल जाएगा, अकाउंट नंबर, खाता नंबर, नाम और कौन सा अकाउंट नंबर है उस ये भी मिल जाएगा। उसके बाद माता पिता का इसका नाम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन नहीं हुआ। अब देखिए इसका जो है जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं दोस्तों KYC, इसका KYC नहीं हुआ है, जिसके कारण दोस्तों इसके अकाउंट में पैसा अभी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इस कारण से इसका पैसा नहीं जा रहा है, तो आप ये कारण समझ गए जो इसका KYC लगा है और इसका पैसा नहीं जा रहा है। अब हम इसमें जो है जिसको पैसा मिलता है उसका चेक करके दिखाते हैं। इसमें दोस्तों जिसको मिलता है उसमें आधार नंबर इसको फिल कर दिया और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे इस पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों इसका जो है लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है, तो इसका दिखा रहा है कि इसका KYC नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसका जो है पैसा आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 21/5/2024 और यहाँ पे लास्ट में देखिए 2/7/2024 का इसका पैसा सक्सेसफुली जो है भेज दिया जा रहा था। अभी जो दोस्तों यहाँ पे जो है जुलाई चल रहा है और जुलाई का पैसा जो इसके अकाउंट में आ गया है, 2 तारीख को ही सेंड कर दिया है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका देख सकते हैं कोई भी मतलब ईयर का अब कितना पैसा मिला हुआ है। और पेंडिंग रहेगा तो दोस्तों अगर नहीं गया होगा तो यहाँ पर लिखा आएगा पेंडिंग, अगर जिसमें यहाँ पर लिखा आ गया कि जीवन लाभार्थी का जीवन सत्यापन नहीं हुआ तो इसके अकाउंट में जो है आपको वृद्धा पेंशन का जो है इसका KYC लगा हुआ है, जिसके कारण उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाता है। अब दूसरे वीडियो में बता देंगे दोस्तों इसका KYC कैसे किया जाता है, तो आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट कीजिए और इस पे वीडियो अलग से बना देंगे, KYC आप कैसे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं या फिर आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, तो सारी डिटेल दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर ये सारी जानकारी आपको समझ में आया और आप चेक कर पाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। अभी तक मेरे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसके मदद से आप ज्वाइन कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।